हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे फिर से आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो है थ्रेडिंग की वीडियो। फुल ग्रोथ में हमें थ्रेडिंग किस तरीके से करनी है, तो आप इनकी थ्रेडिंग देख सकते हैं। काफ़ी फुल ग्रोथ है, 2-3 महीने की ग्रोथ है इनकी ये। और सबसे पहले हम लोगों को पाउडर लगाना है थ्रेडिंग पर, उसके बाद हल्का सा ऊपर से कट करना होता है। ज़्यादा कट मत करिए, क्योंकि ये हम अभी रफली बना रहे हैं। जब हमें लगेगा कि ऊपर से हमें और थोड़ी सी पतली करनी है थ्रेडिंग, तब हम एक्स्ट्रा निकालेंगे। तो ऊपर से बहुत ही कम बाल निकालिए, क्योंकि मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है आप लोगों को कि थ्रेडिंग हम लोगों को पहले ऊपर से बहुत लाइट बनानी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग कस्टमर को बोलेंगे कि आप अपनी थ्रेडिंग को पकड़िए। तो देखिए, ऊपर से बहुत ही टाइटली पकड़वाइए और नीचे से भी काफ़ी टाइटली पकड़वाइए, जिससे कि आपके थ्रेडिंग में बिल्कुल भी कट ना लगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कट लगने का, वो यही होता है कि आप अच्छे से स्ट्रेच नहीं करते हैं। कस्टमर जब दर्द होता है ना, तो छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से कट लग जाता है। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हमें नीचे से कितने बाल निकालने हैं। उतने बालों को ही हम लोगों को स्टार्टिंग करनी है निकालने की, और एक्स्ट्रा बाल हम लोग बाद में निकालेंगे। तो जिन लोगों को थ्रेडिंग बनाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, वो बहुत जल्दी बना देते हैं। जैसे कि देखिए, मेरे पार्लर पर जो थ्रेडिंग बनाती हैं, उनको प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो वो बहुत जल्दी थ्रेडिंग बना देती हैं फुल ग्रोथ की भी। और मैं आप लोगों को बता दूं, फुल ग्रोथ की थ्रेडिंग बहुत ईजी होती है बनानी, क्योंकि उसमें हम अपनी मर्जी से शेप देते हैं। ऑलरेडी बनी बनाई जो थ्रेडिंग होती है, और उसमें जो एक्स्ट्रा बाल निकालने होते हैं, उसमें थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें हम अपनी साइड से कोई भी शेप नहीं दे सकते। तो देखिए, हम लोगों ने एक अपने दिमाग में फिट कर लिया कि हमें इनको ये शेप देनी है, तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी जो थ्रेड है उसकी कैची में बाल फंसाए, और उसी तरीके से हम लोग देखिए बनाते चले जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग आगे से फिनिशिंग कर रहे हैं। तो हमारी जो क्लाइंट है, उनको थोड़ी मोटी थ्रेडिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली थ्रेडिंग उनको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, हम लोगों ने उनकी थ्रेडिंग बना दी। और अपनी साइड से इसमें ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करिए कि नीचे से बहुत ज़्यादा पतली थ्रेडिंग हो जाए, क्योंकि देखिए, थ्रेडिंग जब हमें बनानी होती है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि थोड़ी ग्रोथ वाली थ्रेडिंग हो। थोड़ी मोटी थ्रेडिंग बनती है तो और भी अच्छा लगता है। अब इसके बाद अगर हमें लगे कि ऊपर से हमें अब बाल निकालना है, कोई जो बाल हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं उसे, और फिर निकालेंगे हम लोग बीच के बाल। तो देखिए, बीच के बाल हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ से थ्रेड चलाकर तब निकालते हैं बहुत अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि इनकी जो थ्रेडिंग एक बन चुकी है, उसकी शेप, और जो नहीं बनी थी अभी तक, उसकी शेप में बहुत फ़र्क है। और कितनी क्विकली थ्रेडिंग बन गई, 5 मिनट में थ्रेडिंग बन जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहले आप पाउडर लगाइए, उसके बाद आप कैंची से कट करिए ऊपर के बाल, और सबसे पहले आप लोगों को ऊपर से ही थ्रेडिंग बनानी है बहुत ही एक्स्ट्रा बाल लेकर। देखिए, आप देख सकते हैं मैं कितना एक्स्ट्रा निकलवा रही हूँ ऊपर से बाल। तो इस तरीके से अगर आप थ्रेडिंग बनाएंगे ना, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बिल्कुल एक्स्ट्रा में पहले ऊपर से बना लीजिए, फिर उसके बाद में आप कस्टमर को बोलिए कि वो थ्रेडिंग को पकड़े अच्छे से टाइटली, और उसके बाद आप नीचे से थ्रेडिंग बनाइए। तो देखिए, इस तरीके से इन्होंने जो है वो ऊपर से जितना भी लग रहा है कि हाँ, इतना बाल ही एक्स्ट्रा है, इसको हमें निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए, थ्रेडिंग बनाने वाले को इस चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ की समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए, हम कस्टमर को उसके स्ट्रेच कराएंगे, और उसके बाद में जो है इस तरीके से हमें जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि इतनी मोटी हमें इनकी थ्रेडिंग रखनी है, उसी हिसाब से बाल निकालिए। देखिए इस तरीके से, और हल्का सा बालों को कैंची में जब फंसा रहे हैं आप लोग थ्रेड के, तो बस उसको फंसाइए और तुरंत निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा ढीला थ्रेड नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग बहुत ढीला थ्रेड या फिर थोड़ा रुक रुक के बाल निकालेंगे, बहुत पेन होता है। अगर आप इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी थ्रेडिंग बनाएंगे, तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको उनकी थ्रेडिंग कितनी मोटी और कितनी पतली बनानी है। तो देखिए, इन्होंने एक ही बार में इनकी कितने अच्छे से जो है वो पीछे की थ्रेडिंग बना दी। अब आ गई हैं ये आगे की थ्रेडिंग बनाने के लिए, हमें ओनली फॉर ऊपर से स्ट्रेच करना होता है, नीचे से हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। तो बस इस तरीके से ही देखिए, हम लोगों ने ऊपर से पकड़वा के और आगे के भी बाल बना दिए। थ्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छे से बाल निकाल कर बन रही है। तो इस तरीके से अगर आप थ्रेडिंग बनाएंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत जल्दी और बहुत क्विकली थ्रेडिंग हो जाएगी। शेप में भी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, शेप भी बहुत अच्छी आएगी। एक बार बस अपने दिमाग में फिट किया कीजिए कि इनकी थ्रेडिंग की जो शेप है वो ये है, इस तरीके से हमें बाल निकालना है, इस तरीके से हमें जो इनकी थ्रेडिंग है वो बनानी है। तो बहुत ईजी होता है बनाना। थ्रेडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर कोई नहीं बना पाता है। सबसे मेन है पार्लर में थ्रेडिंग। अगर आपकी थ्रेडिंग बहुत अच्छी होगी, तो आपके बाकी जो काम है वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। आप देख सकते हैं, इनकी जो थ्रेडिंग है वो बहुत अच्छी बनी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई बाल कहीं से और भी निकालना है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से पकड़ के निकाल सकते हैं। और बहुत ईजी होता है थ्रेडिंग बनाना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बट क्या होता है ना, देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, बट एक बार जब बनानी आ जाती है, तब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए, इनकी थ्रेडिंग बनकर बिल्कुल रेडी है।
उसके बाद आप इनका फोरहेड भी कर सकते हैं, अपर लिप भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। लोड्स ऑफ वीडियो मेरे चैनल पर थ्रेडिंग किस तरीके से करें, बहुत ही इजी तरीके से मैंने थ्रेडिंग कई बार आप लोगों को करना बताया है, रीका वैक्स से कैसे करें, नॉर्मल थ्रेड से कैसे करें, अपर लिप, फोरहेड, ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कई बार मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और रियल वीडियो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ चैनल पर अपने। तो देखिए इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।